अपराकृत प्रतिध्वनि हमारी अपराकृत चेतना को जागने के लिए अत्युत्कृष्ट विधि है। जीवात्मा के रूप से हम सभी कृष्ण भावनाश्रित है, परंतु अनादि काल से जड़ पदार्थ की संपर्क में रहने का कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण द्वारा अशुद्ध हो गई है। इस भौतिक वातावरण को माया कहते हैं। माया का अर्थ है वो जो नहीं है। अब हमें देखना है कि यह माया किस प्रकार की है। माया ये है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर स्थापित करना चाहते हैं जबकि वास्तव में हम सभी अपूर्व रूप से उसके कठोर नियमों की जगर में है। जब एक नौकर अपने सर्वशक्तिमान स्वामी को नकल करना चाहता है तो ये माया का प्रभाव है। इस भौतिक प्रति के भंडार का उपयोग करने के लिए सतत श्रमशील है, परंतु वास्तव में
हम उसकी जटिलता में अधिक से अधिक आबद्ध होते चले जा रहे हैं। कृष्णा भावना मस्तिष्क पर बनावटी दबाव नहीं है, ये चेतनता, ये भावना जीवात्मा की स्वाभाविक प्रारंभिक शक्ति है। जब इस मंत्र के कीर्तन से उत्पन्न अप्राकृत प्रतिध्वनि को सुनते हैं तो हमारी ये चेतनता सुप्तावस्था छोड़कर जगती है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कोई जान सकता है कि महामंत्र के कीर्तन से आध्यात्मिक स्तर से अति हुई अप्राकृत भावोन्माद की अनुभूति होती है। आरंभ में सभी प्रकार की अप्राकृत भावोन्माद की स्थिति नहीं हो सकती है। भगवान के शब्द शुद्ध भक्त द्वारा गया, भगवान की शुद्ध भक्त द्वारा गया जाता है तो सुनने वाली पर इसका बड़ा प्रभाव बढ़ता है। अतः तात्कालिक परिणाम के लिए इसे प्रभु के पवित्र भक्त से सुनना चाहिए। जो भगवान के भक्त नहीं है उनके मुख से कीर्तन नहीं सुनना चाहिए। दूध जैसे जहरील सर्प छू दिया है तो विषैला हो जाता है।